हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग ना मैंने शाम के 4 बजे से शुरू किया है। तो अभी मैं विहान को पढ़ा रही हूँ, तो इस टाइम ना मेरा विहान को पढ़ाने का ही टाइम रहता है, शाम के 4 बजे या 5 बजे। और आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 7-7:30 बजे तक मैंने इतना ही ब्लॉग शूट किया है आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैं विहान को पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाते टाइम ना पूर्वी जो है बहुत डिस्टर्ब करती है, कभी पेंसिल ले लेती है, कभी इरेजर ले लेती है, कभी उसको भी लिखना होता है, उसको भी टेबल के ऊपर आकर के बैठना होता है, क्योंकि नीचे जब वो खड़ी रहती है ना तो उसको दिखाई नहीं पड़ता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बस फिर पढ़ाने के बाद मैं आ गई बाहर प्लांट्स में पानी डालने, क्योंकि प्लांट्स भी एक दो दिन पानी ना डालो तो सूखे हो जाते हैं, सूख से जाती हैं पत्तियां उनकी। तो अभी मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना वीडियो का, कि हमें स्ट्रेस क्यों हो जाता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम कोई काम सोचते हैं वो नहीं हो पाता, या फिर लाइफ में ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, आजकल हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मेरी लाइफ में भी होता है। तो हमें क्या होता है कि किसी बात से स्ट्रेस हो जाता है जब वो कोई काम नहीं हो पाता है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया। तो देखिए, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी सर की बीमारियां हो सकती हैं। सर दर्द तो होता ही है, कभी कभार माइग्रेन हो जाता है, या फिर हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि हमें टेंशन ना हो। तो उसके लिए आप सुबह एक्सरसाइज करिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारी दिमाग की जो सारी नसें होती हैं उनको पावर मिलती है, और मन जो है शक्तिशाली होता है। तो सर की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाती है मेडिटेशन करने से। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे हम पूजा करते हैं, तो सुबह सुबह आप गीता का एक पाठ जरूर करें। गीता का पाठ पढ़ने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। और रात में अगर आप चाय पीकर के सोते हैं, कुछ लोग चाय लवर होते हैं, टी लवर होते हैं, तो वो रात में भी चाय पीते हैं। तो देखिए, इससे ना रात में नींद नहीं आती है। कुछ लोगों की आदत होती है रात में चाय पीने की, क्योंकि ये बीपी को हाई करता है। और मन को शांत रखें, ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अपने फर्ज पूरा करते करते, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते यूं ही जिंदगी निकल जाती है। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला और ना ही कुछ बदलने वाला। और मुझे लगता है जो घर में जो लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हें ज़्यादा टेंशन होती है, या फिर जब हम खाली रहते हैं तो हमें बाहर भी कभी कभार घूमने जाना चाहिए, या फिर बाहर निकलकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इससे ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग की निकल जाती हैं, बहुत सारी बातें जो हैं हम भूल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और ये सारे टिप्स मैंने खुद पर भी आजमाया हुआ है, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाता था, टेंशन हो जाता था। पर अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल आई हूँ इन सारे टिप्स को फॉलो करके। और देखिए, सोचने से, स्ट्रेस लेने से ना, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस हम अपनी तबीयत को और ख़राब करते हैं, या सर दर्द होने लगता है, या फिर हेडेक होने लगता है, और फिर जो हम काम कर रहे होते हैं ना वो भी नहीं हो पाते। तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप मेडिटेशन करिए सुबह, या फिर बाहर थोड़ी देर टहलिए छत पर या पार्क में, जैसा भी पॉसिबल है। अपने लिए टाइम सुबह ज़रूर निकालिए 10-15 मिनट, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है कितनी चेंज हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, अच्छा फील करेंगे। तो देखिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर विहान को दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ। तो इस टाइम जो है मैं बच्चों को कुछ ना कुछ खाने पीने को दे देती हूँ। 6-7 बजे कुछ ना कुछ मन करता है ना बच्चों को, छोटी छोटी भूख जो लगी होती है, या फिर कभी कभार स्नैक्स भी बना देती हूँ। और मैंने यहाँ पर अपने लिए बनाई है चाय। तो किचन जो है मेरा
बहुत ज़्यादा फैल गया है। थोड़े बहुत बर्तन भी मैंने धुले हैं और भी बहुत सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं जो कि मुझे अभी धोने हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर काम करूँगी आगे। और अभी मुझे पूर्वी को भी खिलाना है, तो पूर्वी भी अभी इधर उधर कुछ कुछ खा रही है, बिस्किट नमकीन ये सब। तो मैं चाय जो है गुड़ वाली पीती हूँ। मैं चाय में चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि चीनी ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं गुड़ पाउडर जो है ऊपर से डाल करके ही पीती हूँ। और अब मैं यहाँ पर पूर्वी को खिला रही हूँ सेरेलेक। तो उसको मैं बुला रही थी तो वो आ नहीं रही थी, फिर किसी तरह वो आ गई तो खा नहीं रही है। बच्चों को ना खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होता है। जब वो खा लेते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट में ही खिला देती हूँ, लेकिन जब नहीं खाती है ना तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो इसी तरह करते करते ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने विहान को बुलाया कि विहान आओ तुम खाओ, तो तुम्हें देख करके पूर्वी भी खा लेगी। लेकिन फिर भी वो नहीं खाई। मैंने भी खा करके दिखाया, फिर भी नहीं खाई। फिर हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने उनसे कहा कि आप देखिए पूर्वी को एक बार खिला करके, मुझसे तो खा ही नहीं रही है। कभी कभी ना बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, कुछ खाते ही नहीं हैं। लेकिन खैर कभी कभी होता है, बच्चों का भी मन नहीं होगा उसका खाने का। तो फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ लौकी की। तो लौकी की सब्जी ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तेल में जीरा डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, 3-4 छोटे छोटे मैंने मिर्चे लिए हैं, और उसमें हल्दी नमक। बस इसी तरह से सिंपल भुजिया सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि लौकी तरोई ये सब सब्जियाँ ना मुझे ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार नहीं पसंद है। ये सिंपल सब्जियाँ होती हैं, इसीलिए मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। शाम का कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। मुझे लगता है सारी लेडीज़ का यही रूटीन रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा, और मैंने बर्तन भी सारे धुल लिए हैं। इसके बाद मुझे बर्तन भी लगाने हैं उनकी जगह पर स्टैंड में। तो आटा भी मैंने लगा करके रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी 8 बजे से, और क्योंकि 8:30-9 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बर्तन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलूंगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।